भागो भागो भागो, लेट हो रहे, भागो भाई। क्या चीज है ये क्या चीज है? ये कुंड है, ये जल है, गंगा जल की तरह पवित्र। भाई देखो कितने जबरदस्त, कितने ऊंचे झूले हैं भाई। ओके जी, ओके। मैं बोला जी ब्रिजेश, आप ब्लॉग करो भैया। हाँ भाई, क्या क्या नाम से आपके? इंडियन फेला मुंडा। भाई सब मिले हैं अभी, देखो घोघा मेले में आए हुए थे। कहाँ से आए भैया? ये टपुकड़ा मसीद हलो डिस्ट्रिक्ट, पहले गोरख जिले में खेले, पीछे घोघा माड़ी पे आले। पहले जुड़ लाल था, भाई दादा जुड़ लाल था पहले। हाँ छोरा, क्या बेच रहे हो? समाधि फूल ले लो जी, 10 रुपए। तो भैया सारा सामान, गाड़ी होगी रेडी। ये रख लिए कंबल, 1 2 3 कंबल हो गए। प्रसाद बना ली? बना नहीं ली। क्या क्या बनाया? हलवा बनाया, पुए बनाए, अपने लिए मिठड़िया बनाई और राजमा बनाए, चावल बनाए। इसमें है प्रसाद बाबा की, हम जा रहे हैं गोगा मेडी बाबा के पास। इसको गाड़ी में तो खिलाता हूँ। क्या ले जा रहे हो? उस बारे में रखो। ये पूरा स्टॉक रख लिया हमने पानी का, पूरी पेटी है इसमें तो बिस्लरी की। चलो 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 चलो, गाइज हम जा रहे हैं गोगा मेड़ी बाबा के दरबार में। इनको सर्पों का देवता भी बोलते हैं बाबा को, और गुग्गा पीर के नाम से भी, जहर पीर बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आज नवमी का त्योहार है, नवमी पे कंटिन्यू मेला चलता है और बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, 10 लाख के आसपास। और हम भी जा रहे हैं आज, और आपको वहीं ले चलते हैं सीधा बाबा के दरबार में, गोगा मेड़ी। आज आपको पूरा बाबा का दरबार दिखाएंगे, घुमाएंगे और बाबा के दर्शन करवाएंगे। फिलहाल हम गाइज पहुंच चुके हैं, देखो हम पहुंच चुके हैं एक होटल में, पंजाबी में लिख रहा है, पढ़ सकते हैं, मैं पंजाबी थोड़ी थोड़ी जानता हूं लैंग्वेज। ये है तिरंगा ढाबा, तिरंगा ढाबा पहुंच चुके हैं गाइज। देखो ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, और ये हम ढाबे पे आ गए, यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद चलेंगे, आपको दिखाते हैं। ये गोगा जी देवता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इनका मतलब तीर्थ स्थल है, और इनको सर्पों का देवता कहते हैं, जोहर देवता कहते हैं। लोग यहाँ पर प्याज और कई तरह के प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है, और काफ़ी मान्यता है। और गोगा जी देवता की मान्यता है, तो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने, लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। भैया 5 चाय बनवा देना, चाय पी रहे हो? हाँ चाय पी लेते, चलते। थक गए क्या? चाय पी रहे। गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में गोगा मेड़ी। हम चले थे सुबह यहाँ से 2 बजे घर से, और पहुंचे 9:30 बज चुके हैं, रात को पहुंचे, और रात को हम लग रहा है मेला नवमी का। भाई अम्मी पूछती गेले माँ गोगा मेड़ी, भाई सब मिले हैं अभी, देखो गोगा मेड़ी में आए हुए थे। कहाँ से आए भैया? ये टपुकड़ा मसीद हलो डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम चाहते हैं? मेहर सिंह, गाँव मसीद नियर टपुकड़ा। किसे पता चढ़ लेते हैं? अम्मी चढ़ ले, अमन डोन नहीं है चढ़ लेने, हम पहले खड़े खड़े के ले। अच्छा, उसके बाद हम तो गुरु जी थे उड़े उड़े रात से गोगा नवमी करती के नहीं, पिछड़े गोगा माड़ी आले, पहले गोरख टीले पे गले, पीछे गोगा माड़ी पे आले, हम करती कुर्ती दर्शनी में वापस अपने आल बटी। कितने साल सा बोले तम इठे? अमन उठेले कम से कम, पहले जुड़ लाल था क्या, माए दादा जुड़ लाल था पहले, उसके बाद हम सर्वगास तिकला बचा। अच्छा, उसके बाद हम अम्मी हम ला तिकला मन तिकला 4-5 साल तिकला मन लगातार आवा। हाँ लगातार, थैंक यू। राम राम। गाइज गोगा मेड़ी बाबा के दरबार में हमें ओल्ड राजपूत बिरादरी के लोग मिल गए थे, इनसे काफी देर बातचीत करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं हम सीधा बाबा के दरबार। नवमी का मेला चल रहा है, और ये देखो सारी रेलिंग लग रही है, वहाँ से लेकर वहाँ तक इस रेलिंग में आना पड़ता है। अब मंदिर बंद होने वाला है, फटाफट से चल रहे हैं अंदर। देखो कितनी जबरदस्त भीड़ है, फुल भीड़ है।
ये बाजार सजा पड़ा है। यहाँ से जहाँ से हम चल रहे हैं पैदल, कम से कम मेरे हिसाब से 800 मीटर दूर होगा बाबा का दरबार। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। रात का टाइम हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे बाबा का मंदिर बंद हो जाएगा, फिर सुबह 4 बजे दर्शन होंगे, इसलिए हम फटाफट से जा रहे हैं जल्दी जल्दी। रास्ता यही मंदिर को? हाँ। चलो भाई। हाँ छोरा, क्या बेच रहे हो? समाधि फूल ले लो जो 10 रुपए। ले लेंगे अभी आप मंदिर, फिर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, रुक जा। मंदिर बंद होने में सिर्फ आधे घंटे का टाइम रह चुका है और फटाफट से हम सब जा रहे हैं जाके बाबा के दरबार में मत्था टेकेंगे। अलीगढ़ यूपी। हवा देखिए क्या चल रही है, खतरनाक हवा चल रही है भाई, देखो जबरदस्त हवा चल रही है। जैसे जैसे बाबा के दरबार में नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, अभी हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे और भीड़ किस तरीके से बढ़ती जा रही है लगातार। मंदिर का टाइम है बंद होने का 10 बजे का, 10 बजे से पहले हम पहुंचते हैं। कोशिश तो पूरी है कि बाबा हमको 10 बजे से पहले पहुंचा देंगे। भागो भागो भागो, लेट हो रहे, भागो। जय बाबा की। सामने देख सकते हैं आप बाबा का दरबार, यहाँ हमें पहुंचना है। फुल जोर लगा रखा है अपने बाबा के दरबार पहुंचने के लिए। और देखो सामने, बिल्कुल सामने मंदिर है, और अभी हमें यहाँ से घूम घूम कर जाना पड़ रहा है देखो। और 10 बजे भाई, 10 बजे बंद हो जाएगा जी। ऐसा ना, दर्शन जल्दी लंबे हो जाएंगे आपको। हो जाएंगे जी, रास्ता सीधी गई है सीधी। देखिए सामने बाबा का दरबार आ गया, देखो कितना प्यारा सजा हुआ है भाई। हम पहुंच गए काफी मेहनत करने के बाद, अभी 10 भी नहीं बजे और 10 बजे से पहले पहले हम पहुंच चुके हैं। भीड़ देखो भाई जबरदस्त, प्रसाद का भोग यहीं लगता है सामने, यहाँ प्रसाद चढ़ी जाएगी आज, क्योंकि भीड़ होने की वजह से अंदर प्रसाद नहीं चढ़ा रहे, यहीं प्रसाद चढ़ाएंगे भाई। हम सामने ही पहुंच गए बाबा के दरबार, बहुत मेहनत करने के बाद हम पहुंच गए बाबा के दरबार में। भीड़ देखो कितनी भीड़ है, ये देखिए हमारे साथ बच्चे भी कितनी गर्मी में जा रहे हैं। सामने हम पहुंच गए बाबा के दरबार में, सामने बिल्कुल ही, ये सामने बिल्कुल बाबा का दरबार आ चुका है। जय हो, जय बाबा की। ये कुंड है, ये जल है, गंगा जल की तरह पवित्र। बाबा नरसिंह पांडे का कुंड है, कुंड है, बाबा स्नान होता है इसका जल आता है। ये क्या ले जा रहा भाई है? क्या है ये? चावक। क्या बोलते? चावक। इसका क्या करेंगे? बाबा की होती है। अच्छा भाई, क्या चीज़ है ये? ये क्या चीज़ है? बाबे का ढोल भाई, बाबा का ढोल है। देखिए आप, ये बाबा ही मोह बता कि ये कौन बजता है सुबह शाम? सुबह शाम अंदर बजता है? ये नहीं बजता, आरती अंदर की, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी बजाते ही। ढोल बजाने से मनोकामना पूरी हो जाएगी सारी। ढोल बजा रहे हैं भाई। ये देखिए सामने बाबा के दरबार में से माथा टेक के वहाँ से हम ये बाहर आ चुके हैं। आप लोग रहो भैया? हाँ भाई। क्या क्या नाम से आपके? इंडियन फेला मुंडा। किधर लगा था? वधिया वधिया वधिया। कौन सा पिंड है तोड़ा? रोजपुर। मैं आवाजा तोड़े कॉल। ओके जी। ओके। मैं बोला जी ब्रजेश मंगोलपुरी था। ठीक है, मंगोलपुरी दिल्ली, दिल्ली मंगोलपुरी। ठीक ठीक। ओके बाय। ओके। इतना बढ़िया हो गोगा जी, मेरा मेला है भगत जी, हम ढोल वाले हैं।
यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे टेंट दिखेंगे जो देखिए सारे टेंट चारों तरफ लगे हैं भाई, ये टेंटों में सोते हैं और कोई पब्लिक आती है जो दूर दूर के लोग आते हैं। भाई वाह झूले भाई झूले। भाई कितने का देगा पैसा? 50 रुपए। मेला देखो भाई रात में गोगा मेड़ी में मेला चल रहा है भाई, देखो जबरदस्त भीड़ रात के 11 बज चुके हैं। भाई देखो कितने जबरदस्त कितने ऊंचे झूले हैं भाई, बहुत बड़े झूले हैं सामने वाले, मुझे तो देख के डर लग रहा है भाई इतने ऊंचे झूले कैसे खाते नॉर्मली, चक्कर आ रहे हैं देखते ही। देखो भाई छोरे का डांस। बच्चों के भी झूले छोटे छोटे बच्चों के। उसमें बैठे हुए लोगों का भाई हाल क्या हो रहा होगा। ओ भाई भाई टिकट देखो 50 रुपए की। ट्रेन वाले झूले खाने जा रहे हैं भाई, रेलगाड़ी वाले झूले खाने जा रहे हैं, हमारी रेलगाड़ी खड़ी है भाई, रेलगाड़ी चल गई। बच्चों वाले झूले खा रहे हैं, मजा तो आ रहा है यार। गाइस सारा दिन सफ़र करने के बाद बाबा के दरबार में घूमने के बाद हमें सामने अभी राजपूत गेस्ट हाउस मिला है, आज रात को यहीं रुकते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, देखते रहिए इंडियन वेला मुंडा। गुड नाइट व्यूअर्स, बाय।